बंगाल में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और इसकी वजह से जो बंगाल की सरकार में जो टीएमसी के कई पार्षद विधायक में खलबली मची हुई है, एक बड़ा झटका ममता को देने की तैयारी बीजेपी की तरफ से आज। झटका क्या, झटका तो लग ही गया जिस दिन परिणाम आए। अब झटके झटके लगते रहेंगे हमेशा हर 8-15 दिन के अंदर, क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर गुंडागिर्दी की है, प्रजातंत्र की हत्या की है और कुल मिलाकर बंगाल की संस्कृति और संस्कार के साथ खिलवाड़ किया है, तो सजा तो जनता देगी। और इसलिए लोग शामिल हो रहे हैं आज। आज 3 विधायक हैं और लगभग 50 से ज़्यादा काउंसलर। इतने ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं, क्या ये बता रहे हैं पहला चरण आप कह रहे हैं, तो इस तरह के लोग और भी शामिल होंगे आपको लग रहा है? 100% काफ़ी लोग आएंगे। लेकिन सर एक बार ये भी ममता सीधा ही आरोप लगा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, सरकार गिराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत ही नहीं, लोग खुद ही दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। तो क्या ये जो 2011 चुनाव से पहले इस तरह की बातें, क्या चुनाव पहले होने की भी संभावना जिस तरह से लोग साथ छोड़ रहे हैं? तो हाँ, लोग ममता जी के साथ छोड़ देंगे, मुझे नहीं लगता है कि सरकार 2021 तक चलेगी। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं बल्कि खुद साथ छोड़कर भाग रहे हैं टीएमसी के नेता। और सबसे बड़ी बात जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि 2011 तक ये सरकार चल पाएगी और टीएमसी के कई नेता अभी भी लाइन में हैं जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कैन रफीक के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।